फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गिलर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गिलर फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम डिजिटेक की ये मैंने एलईडी वीडियो लाइट ली दी है। इसका मॉडल नंबर है एलईडी D416 कॉम्बो। ये ड्यूअल कलर टेम्परेचर में है। कॉम्बो इसमें क्या है, कॉम्बो ये ड्यूअल कलर का है। एक इसमें कलर टेम्परेचर दिया हुआ है 3200 केल्विन का, दूसरा दिया हुआ है 5600 केल्विन का। तो इसका आज अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये है एलईडी लाइट। बहुत ही इजी है, छोटी है, कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम ट्रेडिशनल वीडियो में भी यूज कर सकते हैं और सिनेमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। इजी टू यूज है। इसको रख देते हैं फिलहाल यहाँ पे। और साथ में क्या है, साथ में इसमें यहाँ पे एक बैटरी आई है। तो इस बैटरी का जो मेगा हर्ट्स है, ये 5200 मेगा हर्ट्स की बैटरी है। और इसमें सबसे अच्छी पॉइंट बात यह है कि इसमें ये यूएसबी चार्जिंग का से भी हम अपना बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। और इसमें ये एक केबल आई है चार्जिंग के लिए, यूएसबी केबल है। तो इसको कनेक्ट करके हम चार्जर के, कोई भी चार्जर हो उससे कनेक्ट करके, यूएसबी चार्जर से कनेक्ट करके अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें एक ये इन्होंने इसका माउंट दिया है, होल्डर जो है स्क्रू, जिसको हम एलईडी से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको आसानी से हम एलईडी से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे एक चूड़ी दी है, तो इसको स्क्रू को हम इस तरीके से घुमा करके इसको हम यहाँ पे कस लेंगे। ये दोस्तों हमने ये कस लिया है। और इसमें यहाँ से इसको यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, जिसको हम अपने स्टैंड में भी लगा सकते हैं और इसको जो है अपना कैमरे के ऊपर भी लगा के यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक स्क्रू ये दिया है, जिसको जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम इसको ऊपर आगे टिल्ट, जितना भी जिस एंगल पे भी इसको लाइट को देना है उतना रख करके हम रख सकते हैं। दोस्तों अब इसमें बैटरी लगा करके चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। यहाँ पर हमने इसमें बैटरी लगा दी है। इसका फ्रंट पैनल की मैं बात करूँ, फ्रंट पैनल में इन्होंने एक डिफ्यूजर दिया हुआ है। ये डिफ्यूजर है लाइट को डिफ्यूज करने के लिए, यानी कि सॉफ्ट को, लाइट को सॉफ्ट करने के लिए होता है। ये डायरेक्ट अगर हम लाइट यूज करेंगे तो हार्ड लाइट होगी, और ये डिफ्यूजर काम करता है लाइट को सॉफ्ट करने के लिए। तो ये हमारे ऊपर बात है कि हमें किस तरीके से लाइट यूज करनी है। हमें हार्ड लाइट चाहिए, सॉफ्ट लाइट चाहिए, जिस समय जैसी लाइट चाहिए हम उस तरह इसका डिफ्यूजर का हम यूज कर सकते हैं। बैक साइड पैनल में आ जाए, बैक साइड में यहाँ पर दोस्तों मैं बैटरी निकाल के दोबारा दिखा दूँ। ये बैक साइड पैनल है, यहाँ पर हमारी बैटरी लगती है। ये बैटरी को, ये बटन जो है, इस बटन को दबाने से बैटरी हमारी रिलीज कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। फिलहाल इसमें मैं बैटरी डाल देता हूँ, बैटरी को इसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ आसानी से। ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई है। और बैक साइड में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये तीन ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे वाला जो डायल वाला है, ये डायल वाला जो है, ये डायल का जो है 3200 केल्विन पे काम करता है। ऊपर वाला जो डायल बटन है, ये 5600 केल्विन पे काम करेगा। और ये बीच में जो बटन है, ये है ऑन ऑफ का। फिलहाल इसको हम ऑन कर देते हैं। तो ऑन करने पर दोस्तों इस तरीके से लाइट इतनी है। इसको मैं दोनों ही इसको डाउन कर देता हूँ। अभी दोनों ही हमारे टेम्परेचर के जो बटन है वो बंद है। जैसे मैंने अभी 3200 खोला है, तो 3200 की पावर इतनी होगी। और साथ में मैं अभी इसको बंद कर दूँ, 5600 को मैं ओपन कर देता हूँ, 5600 की पावर इतनी। साथ में अगर दोनों को यूज करते हैं तो दोनों की पावर मिला करके इतनी पावर हो गई। देखेगा अब, देखेगा दोस्तों मेरा फेस पे कितनी ज़्यादा हार्ड लाइट हो रही है। तो इस तरीके से हम अपना सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट जैसे भी हमें यूज करनी है उस तरीके से हम लाइट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात लाइट की मुझे ये लगी कि ज़्यादा वेट नहीं है लाइट में, इस एलईडी में, लाइट में। और इजी टू यूज है, आसानी से कैरी कर सकते हैं हम, पॉकेट में भी रख सकते हैं। कैरिंग बैग होता है हमारा कैंडिड में, सिनेमैटिक में, तो उसमें आसानी से ये छोटी जगह में आ जाती है। वेडिंग फोटोग्राफी में दोस्तों आपको पता है कि कहीं भी किस समय भी हमें कहीं भी जाना पड़ता है एट द टाइम, और बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करना पड़ता है, बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट हमें कैरी करने पड़ते हैं, तो सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये लगी इसकी, ये छोटी है, लाइट वेट है और पावरफुल है। इसकी इसको हार्ड लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस लाइट का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।